इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब पहले हमें पता लगाना है कि विच आर एपी एंड विच आर नॉट एपी. इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स. देन यू हैव टू राइट थ्री मोर टर्म्स. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. कॉमन डिफरेंस एपी है या नहीं, टू फाइंड आउट वेदर इट इज एपी और नॉट, फर्स्ट थिंग इज द कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम इन सेम वे. ओके, सो वट वी कैन डू इज वी कैन राइट हियर, ये हमारी पहली टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, वी हैव स्टडी. तो वी विल राइट हियर ए टू, ए टू माइनस ए वन मीन्स फोर माइनस टू, सो आंसर यू आर गेटिंग टू. देन वी विल राइट ए थ्री माइनस ए टू. अब ए थ्री तो ये एट और ए टू हो गया हमारा फोर, तो एट माइनस फोर वॉट इज कमिंग फोर. इज कॉमन डिफरेंस कमिंग सेम? नो, इट इज नॉट कमिंग सेम. सो वी विल राइट हियर हियर टू कॉमा फोर कॉमा एट कॉमा सिक्सटीन इज not an AP because we should know, because common difference is not same. Common difference का मतलब ही यही होता है कि the difference between the terms should be same. So in simple language we can write common difference is not, और सिंपल रख लो, इज नॉट सेम. हालांकि कॉमन डिफरेंस का मतलब ही होता है कि एवरीथिंग शुड बी सेम, तो ये कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड. वन टाइम इट इज कमिंग टू, वन टाइम इट इज कमिंग फोर, सो दिस इज नॉट एन एपी. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट. अगेन दे हैव गिवन वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज एन एपी और नॉट. अगेन यू नो कि ये हम ए वन कंसिडर करेंगे, ये ए टू, ये ए थ्री एंड दिस विल बी ए फोर. सो हाउ यू आर गोइंग टू चेक वेदर इट इज नॉट AP or not, तो पहले A2 में से A1 we will minus, means 5 by 2 minus 2. Now if you have difficulty doing orally, then write and do. So you have to take LCM, it will go there, so it will become 4, 4 minus 5, it will be 1 by 2. Okay? Second, it will be a3 minus a2, a3 matlab ye. Okay, so a3 minus 2, so what again it will be a3 to 3 ho gaya minus a2 means 5 by 2. Again hum LCM lenge, those who cannot do orally rough column mein likh ke kare, 3 ke niche 1 suppose kare, take LCM, so your answer will come 1 upon 2, same again, so we can try this also. Many times in two terms so the answer will come same, in third time if it will come difference, then so what we are going to do, a4 minus a3 means 7 by 2 minus 3, so again LCM likhi you will solve and it is coming same, so we will write yes, 8 is an AP. ये AP है, क्यों? Because common difference is coming same, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, same है, इसलिए I am writing yes it is an AP. Clear? Now if they form an AP, find common difference. So what is the common difference? Common difference is equals to half, pehla part ho gaya. Second part they are asking write three more terms. Now look here, very simple logic it is for writing three more terms. This terms they have given, they have given till term a1, a2, a3, a4. We have to find a5. A5 ke liye again formula kya hoga, a plus
फाइव माइनस, या यहाँ पे अपन ऑलरेडी माइनस वन करा था, तो फोर. सी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला आई एम टीचिंग यू द ट्रिक, ध्यान से देखना ओके, लुक प्रॉपरली. ट्रिक वेरी सिंपल, वी हैव टू फाइंड ए फाइव मतलब फिफ्थ टर्म. सो वॉट वी विल डू, वी विल राइट हियर फोर्थ टर्म ए फोर प्लस कॉमन डिफरेंस मीन्स प्लस डी, फोर्थ टर्म प्लस डी. सो वॉट इज द फोर्थ टर्म ए फोर, ए फोर क्या है अपनी 7/2 प्लस डिफरेंस क्या है 1/2 प्लस कर लेंगे तो वॉट विल गेट 8/2 कैंसिल कर लेंगे तो इट विल कम 4 मतलब फिफ्थ टर्म अपनी कितनी आ गई है 4 ओके. सिमिलरली लेट्स सॉल्व हियर, फिफ्थ टर्म हो गई, अब हमें पता लगानी है सिक्स्थ टर्म. तो अगेन लॉजिक इज जो पहले वाली टर्म है उसमें वी आर एडिंग द कॉमन डिफरेंस, इन प्रीवियस टर्म वी आर एडिंग द कॉमन डिफरेंस. तो फिफ्थ टर्म वी हैव फाउंड एज 4 ओके. सो वी विल राइट हियर 4 प्लस कॉमन डिफरेंसेस हाफ. सो व्हाट इट विल बी, इट विल बी आइदर यू टेक एलसीएम एंड सॉल्व और यूज द लॉजिक. सो इट विल बिकम 9/2. सो सिक्स्थ टर्म विल कम 9/2 एंड सेवेंथ टर्म अगेन प्रीवियस टर्म में वी विल ऐड डिफरेंस. सो व्हाट इज प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म इज 9/2 प्लस हाफ, सो इट विल बिकम 10/2, सो इट विल बिकम 5 ओके. तो ए 7 इज 5, तो 3 मोर टर्म्स आर, व्हाट आर 3 मोर टर्म्स, दस 3 मोर टर्म्स आर, आई एम राइटिंग फ्रॉम स्टार्टिंग ओके, 2.5/2 3.7/2 कॉमा, अब ये हमारे 4 आ गया कॉमा 9/2 5.... तो ये 3 हमने नई टर्म्स निकाली. दिस इज अवर आंसर, 4 टर्म, 5th टर्म एंड 6th टर्म एंड 7th टर्म.